सज्जाद निजामी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलें हर रोज नई वीडियोस देखने के लिए। शुक्रिया। पहले की बात है, आका अलैहिस्सलाम यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ एक कबीला आबाद था जिसका नाम था बनू सलमा, और बनू सलमा की एक छोटी सी मस्जिद थी और एक शख्स थे जिनका नाम बशर बिन मारूफ। आका अलैहिस्सलाम जलवा अफरोज नमाज का वक्त आया तो इमाम बुखारी कहते हैं कि असर का वक्त था और इमाम नसई बयान करते हैं कि जोहर का वक्त था। बहरहाल असर का वक्त हो या जोहर का वक्त हो, हमारे रात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू सलमा की मस्जिद में तशरीफ लाए और आपने नमाज के लिए नियत बांधी। तो किबला हमारा कौन था? बैतुल मुकद्दस। तो उस तरफ रुक करके आपने नियत बांधी। पहली रकअत पूरी हुई, दूसरी रकअत पूरी हुई, उसके बाद कायदे उला में तैयार के तशहुद में, उसके बाद जब तीसरी रकअत के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए तो अचानक दिल में एक अरमान मचला अपने रब के हुजूर कि काश मेरा किबला मेरे जद्द अमजद हजरत इब्राहिम अना नबी अना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तामीर करता, बैतुल्लाह शरीफ हमारा किबला हो जाता। और निगाहें नबूवत कभी आसमान की तरफ उठ रही थी, कभी नीचे आ रही थी। अल्लाह वहदहू ला शरीक, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये अदा इतनी पसंद आई कि बुलबुले सिदरा ताहिरे सिदरा, हजरत जिब्रील को हुक्म हुआ, ए जिब्रील मेरा पैगाम मेरे महबूब तक पहुंचा दो। हजरत जिब्रील सिदरा से परवाज करके बनू सलमा की मस्जिद में तशरीफ लाए, रब्बे जुल जलाल का हुक्म लेकर सूरह बकरा की आयत का नुज़ूल हुआ, कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समाए फलन वल्लयन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ल वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए महबूब, आपका उठता हुआ चेहरा आसमान की जानिब बार बार हम देख रहे हैं। कद नरा तकल्लुब, तहकीक के आपका उठता हुआ चेहरा आसमान की जानिब बार बार हम देख रहे हैं तो अन करीब हम उसे जरूर फेर देंगे जो आपका पसंदीदा क़िबला है। फवल्ल वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। ए महबूब, आप जिस हालत में हो, नमाज खत्म करने की जरूरत नहीं है, आप जिस हालत में हो उसी हालत में मस्जिद अक्सा का रुख छोड़कर बैतुल्लाह की तरफ फिर जाए, मस्जिद हराम की तरफ रुख फरमा ले। तीसरी रकत में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किबला की तब्दीली फरमाई, पीछे सहाबा भी थे। कुछ लोग यहाँ बयान करते हैं कि मस्जिद नबी में यह आयत नाजिल हुई, तो मस्जिद नबी में आयत नाजिल होती तो आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में होते ना, तो फिर ये मस्जिद किबलातन कहां से हो गई, दो किबले वाली मस्जिद ये कहां से हो जाती। तो कुछ लोग ये ऐसा कहते हैं। बहरहाल जो ये वाकया मैंने आपके सामने रखा है यही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के फजल से सही बात है। तो तीसरी रकत में किबला की तब्दीली हुई तो एक नमाज में दो किबला हुए ना, पहले वाली दो रकत में मस्जिद अक्सा और बाद में जब खुदा का हुक्म आ गया तो बैतुल्लाह शरीफ खाने काबा, तो मुस्तफा ने चाहा तो किबला भी हमारा काबा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको यहाँ दो रकत नमाज अदा करनी हुई और उसके बाद फिर अपनी बस में आप तशरीफ लाएं, ठीक है, 10 मिनट के अंदर, क्योंकि बहुत मस्जिद से करीब है, मसरात है, खवातीन वादी। चलो सूफी जी, चलो चले रहो। मस्जिद क़िबलतैन में हाजिर होने वाले हैं दोस्तों, क्यों भी सूफी जी यार, हेलो, कहाँ वुजू बनाओगे? मस्जिद क़िबलतैन के अंदर हाज़िर हो रहे हैं दो दोनों तरफ क़िबला की तरफ ना रुख करके नमाज पढ़ सकते हैं ना। हमारी भी डाल लो यार भाई, इसी में हाँ। पहले यहाँ पढ़ेंगे हैं, साथ में ले जाओ, साथ में पन्नी में साथ में ले चलो ना। यहाँ नियत क्या करना पड़ेगी? नफिल, नफिल की दो रकात नफिल, बस हाँ, अल्लाह ताला का, हाँ 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 हाँ, दो रकात इसमें,
दो रखा था उसमें, हाँ दो उसमें। ये मस्जिद क़िबलतैन है माशाल्लाह, मस्जिद क़िबलतैन। आगे चलो आगे, वहाँ मुसल्ला जो है। Allah. Subhanallah.